CRD 655 4x4 एम बूस्ट महालिफ्ट के साथ। ठर्रा चेक कर लगो ठर्रा सही है वो सब में तुम कर लो यार का मैं ये का कह रहा और बेटा फालतू मजाक नहीं आवे थोड़ा अपने टीएम सरा का इनकी ले लो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिलाना चाहता हूँ महेंद्र टैग कंपनी के टैग गुरु से। तो नमस्कार टैग गुरु सीताराम साधु जी, कैसे हो और इस ट्रैक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये ट्रैक्टर बहुत ही कमाल का ट्रैक्टर। अरे बेटा इस तरह को जी जी ये बेड बेड क्या दिया है इसमें? 2 क्विंटल के आसपास तो इसका वेट ही है। अच्छा, एक प्लेट पे कितना वजन है? लगभग 27 kg वजन है। हाँ, हैवी ड्यूटी मडगार्ड। इसका बोनट खोल के बताएंगे क्या इसका इंजन कौन सा है क्या है? एयर फिल्टर भी बहुत बड़ा है। एयर फिल्टर ही काफी बड़ा है, सबसे बड़ा कोई नहीं देता। ये क्या रिकवरी वाटर है ऊपर? ये हमारे रिकवरी वाटर है कूलेंट की। तो पास में आते हैं, अभी नजदीकी से बताते हैं इसका कॉमन रेल प्रेशर। कॉमन रेल सिस्टम जी, इस पे सिलेंडर काफी सारे दर्शा रहा है। नहीं सिलेंडर नहीं है वो, ये है अपने दो और चार सिलेंडर हैं वो। ये दो सप्लाई लाइन है ना, एक दो को देगी एक दो को देगी। ये आउटलेट है, ये इनलेट है। अच्छा अच्छा, ये अपना हैगा फीड पंप। फीड पंप कौन सा है इसमें? इसको दबाना पड़ेगा, दबाव से यार निकल जाएगी। और ये क्या आएगा? ये अपना एक्सीलेटर पेडल सेंसर है। और क्या विशेषता है इस ट्रैक्टर की? और इसमें डिजी सेंस लगा हुआ है, अपना GPS लगा हुआ आता है कंपनी की तरह। प्लस है ग्लोबल हाइड्रोलिक्स है। अच्छा अच्छा, 6 ईयर वारंटी है। तो इसमें लिफ्ट का क्या चेंजेस किया है? लिफ्ट में चेंजेस देखो, ग्लोबल हाइड्रोलिक्स कर दी है जी जी। अपनी 2600-2700 kg के आसपास है लिफ्टिंग के। 2700 kg की सुनिए, ये डबल सेंसिंग में कर दिए ना, वहाँ लिफ्ट नाम दिया है इसको ग्लोबल हाइड्रोलिक्स। हाँ देखा हुआ ब्रांडिंग है ना। हाँ हाँ बहुत हैवी यार। बाकी ये कैनोपी मैनोपी वगैरह सब मतलब कंपनी फिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। हाँ ये देखिए ना, बहुत बढ़िया लिंक है, देखिए कितनी हैवी हाथी की तरह। हाँ लिंक है भी बहुत काफी मजबूत। वाकई में यार मतलब बहुत तरक्की कर दी इस ट्रैक्टर ने, मुझे नहीं लगता अब इसका मुकाबला कोई ट्रैक्टर कर पाएगा। कोई का तोड़ नहीं है, किसी की बस की नहीं। ऊपर से मतलब बोनट पे देखिए एक और चाली दे रखी है एयर के लिए, जिससे कि ट्रैक्टर मतलब लंबे समय तक गर्मी नहीं होगा वैसे तो ये। और ये कौन कौन से मॉडल खड़े हैं टैग गुरु बताएंगे हमारे लिए? जी इसका माइलेज वगैरह बहुत तगड़ा सुना है, 275 TU का बहुत अच्छा माइलेज है, शानदार है। और इनमें कुछ परिवर्तन करा है या फिर वही चल रहा है सदाबहार? नहीं परिवर्तन करा है, सिंगल फिल्टर आने लगे अपना। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ लंबी सर्विस देता है। इस पर मतलब जैसे पानी वानी आ जाए थोड़ा बहुत गलेगा नहीं? सिंगल फिल्टर फोबिक है इसमें, बिल्कुल भी पानी कोई आता ही नहीं है पानी जी। और 6 साल वारंटी है ना, जो कि पहले 3 साल की आती थी भूमि पुत्र में। और बाकी लिफ्ट मिफ्ट वगैरह सब वही है, ये को एक्स्ट्रा नली बढ़ा दी है इन लोगों ने। ये हाइड्रोलिक है ना, ये ऑक्सिलरी जो कि कस्टमर को पहले अलग से लगानी पड़ती थी। ऑक्सिलरी वाल्व आ रही है जी जी। हाँ और ये कौन सा मॉडल है भाई? यूटेक। इसमें भी महालिफ्ट है क्या? इसमें भी हाई टेक महालिफ्ट जी। बहुत शानदार व्यवस्था कर दी यार मगर कंपनी ने। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा सुन रहा है, ये कंपनी लगा के दे रही है। हैवी ड्यूटी बम्पर, जो बम्पर है ये कंपनी से आ रहा है ना, कंपनी फिटेड। वाह, HB कंपनी फिटेड है, HB अपनी कंपनी से आ रही है, काफी हैवी है। और पूरे मतलब मेन तो इसमें खासियत है बोल्टों पर है, इसमें पिन विन नहीं लगी, जिससे कि मतलब वो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी ट्राले पे।
बाकी ये क्या सिस्टम है टैग गुरु? ये अपना SLI PTU है, सिंगल लीवर इंडिपेंडेंट PTU। जी जी ठीक है, एंगेज करो डिसएंगेज करो। हाँ हाँ, पैडल में नहीं, हाथ में ही है ये आपके दिया हुआ, अलग अलग लीवर है। इस पर लिखा रहता है कहीं पे 600 लिखा रहता है? जी लिखा है ना, ये लिखा है डुअल क्लच SLI PTU सिंगल लीवर। फुल लोडेड ट्रैक्टर है ना? फुली लोडेड टॉप है। इसका एक बार बोनट कराते हैं अपन। इसमें भी सिंगल फिल्टर आता है। देखो देखने में भी काफ़ी शानदार लुक लग रहा है टैग गुरु, आप जरा बगल से इसका वो करवाएं, हेडमेट लैंप क्या है क्या नहीं है। ये अपने हेडलैम्प दिए हुए हैं जी, काफी आकर्षक लुक में दिया हुआ है। इसका मतलब रोशनी मोशनी वगैरह? रोशनी तो एकदम झकास, फुल झकास। कस्टमर को मजा आ जाए अंधेरे में, अंधेरे में दिन कर देगा, सामने वाले को ही नहीं दिखता है। अच्छा, जो उधर से आ रहा है ये भी कौन सा टी वी है ना? ये क्या आज ही उतरे हैं ये ट्रैक्टर? आज ही अपने इंदौर एलडी से आए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बारे में समझाइए कुछ कस्टमरों को जानकारी, हेडमेट लैंप क्या है क्या नहीं है। जी सी आर डी टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, इसका बोनट करा दीजिए एक बार, कस्टमरों को लुक बता दें पूरा। ये बहुत मतलब काफ़ी शानदार ट्रैक्टर लग रहा है, शानदार कलर में। वही तो यार, बहुत मतलब इसकी डिमांड भी बहुत चल रही होगी। है बहुत डिमांड, लोडेड है, कैनोपी है। प्राइस इसकी मान लीजिए 13 के आसपास तो होगी, और ऊपर ही है सी आर डी में है। हाँ 13 प्लस ही रहेगा सी आर डी में। हैवी ड्यूटी है। बाकी इसकी सर्विस मर्विस परफॉर्मेंस क्या है? सर्विस 400 घंटे की सर्विस है इसमें। पहले 100 घंटे पे रहती है, फिर 400-800 घंटे पे सर्विस रहती है। तो इसका तो आप ही करोगे ना सीआरडी का? सीआरडी का मैं ही करूंगा। आपका नंबर बोल दीजिए एक बार कस्टमरों के लिए। नंबर बोलो। हाँ हाँ भैया, ये टैग गुरु हैं हमारे, मतलब सीआरडी के। वर्कशॉप का दे देते हैं। हाँ वर्कशॉप का नंबर दे दीजिए आप, जिससे कि कस्टमरों को सीआरडी में कुछ समस्या हो जानकारी ले लें। 70-24-14-10-93 70-24-14-10-93 ये वर्कशॉप का है महिंद्रा विदिशा का। और ये टैग गुरु ही रखते हैं उस मोबाइल को। रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो तो पूछ सकते हैं आप। जी जी, इस नंबर भी, नंबर मेरे पास ही रहता है। जी जी दोस्तों, बहुत ही काफी शानदार लुक है इस ट्रैक्टर का। जैसे कि इसमें साइलेंसर पे जाली भी इतनी दी है कि चलत में कोई पकड़ भी लिए तो हाथ एकदम से नहीं भरेगा। हाँ, इसका साउंड माउंड चेक कराओगे क्या? थोड़ा चला कर बता दीजिए आप। चाबी तो नहीं है यार, मेरी लगी हुई कोई सी ट्रैक्टर में। अभी हमारे टेक गुरु बैठ गए हैं और इसको चला कर बताएंगे सभी दर्शकों को। साउंड सुनिए यार, कितना प्यारा साउंड है ट्रैक्टर का। खोले एक्सीलेटर करना टैग गुरु, देखो कितना साइलेंट साउंड है भाई। देखिए बटन से कर रहे हैं टैग गुरु, RPM देखो कैसे ड्रॉप हो रहा है ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो रही है, पावर मूड पे कम हो जाते हैं। वो डीजल सेवर पे पावर मोड पर 2300 RPM रहते हैं। हाँ, नॉर्मल मोड पर 2500 RPM तक जाता है। और डीजल सेवर पर RPM वही रहते हैं, बट इस बार डीजल सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है। डीजल सप्लाई तो मतलब डीजल का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, तीन माता डीजल एवरेज है इसमें। ये इसको बताना ही भूल गए थे यार, ये अपना मोड स्विच एम बूस्ट मोड दिए हुए है ना, ये डीजल सेवर नॉर्मल पावर मोड, पावर मोड जैसे ताकत के हिसाब से अपन भारी इम्प्लीमेंट के लिए, भारी कामों के लिए पावर मोड का यूज। अच्छा, ये क्या पार्किंग सर? हैंड ब्रेक है।
ये हैंड ब्रेक अपना ये दिया है पार्किंग में। चलो वाह, कार की तरह व्यवस्था कर रखी है कंपनी ने। ये लो हाई मीडियम गियर बक्सा है, वो इसमें कितने 5 गियर आ जाएंगे? 5 गियर इसमें रहेंगे। रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड अपना ये रहेगा। अच्छा, ये हाथी पे है रिवर्स फॉरवर्ड। ये लगा हुआ है FR, FR मॉडल है। बहुत काफी शानदार व्यवस्था कर अपना इसमें। क्लच का ये जो PTO क्लच है, PTO क्लच है SLI। अच्छा, रिवर्स फॉरवर्ड का ये है। ये एक और रिवर्स फॉरवर्ड का, रिवर्स फॉरवर्ड का अलग से गियर दिया है। ये अपना सीट के लिए, और वाह आर्म के रेस्ट के लिए। हां, वो शानदार व्यवस्था कर रहा है, बहुत आराम रहे इसकी हुई। हां, एर्गोनॉमिकली डिजाइन, थोड़ा इसको चला के और बता दीजिए कस्टमरों को। साइड लेते हैं। कितना शानदार चल रहा है ट्रैक्टर, कितना शानदार चल रहा है भाई साहब, दावा तोड़ चल रहा है एकदम। मतलब खेत में तो अलग ही मजा आएगा इस ट्रैक्टर में चलाने को। वाह भाई, क्या बात है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं वीडियो में। फिर बने रहिएगा चैनल पे मुकुल ट्रैक्टर वर्ल्ड। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, फॉलो करें। हाँ, लेफ्ट और चेक करा दीजिए। ये देखिए हाइट कितनी जा रही है अपनी, देखो। वाह, मतलब यार बांका ही में कितनी ऊंची लेंथ ले रही महा लेफ्ट।